बिल पास हो गया, बहुत वाहवाही है, लड्डू मिठाई बट रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सभी विपक्ष ने और पक्ष ने, सभी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेपिस्ट था, आरोपी था, क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया? क्या अभी मणिपुर शांत है? क्या उन मणिपुर वासियों को, जो तमाम लोग पलायन कर चुके हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उनको विस्थापन किया गया? जिस तरीके से मणिपुर में दिनदहाड़े बहनों को करके सौराया गया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान यहाँ नहीं गया? गया ध्यान, बताइए। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, नहीं है? ओबीसी का बिल क्यों लटका हुआ है? प्रधानमंत्री जी तो बड़ी हिमायतगिरी करते हैं, ओबीसी के समाज से मैं आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुले संसद में गाली दे देते हैं, उग्रवादी कह देते हैं, आतंकवादी कह देते हैं, और उसके नेता थपथपाते हैं, आपने देखा होगा, पीछे बैठ के मुस्कुराते हैं। वाकई में क्या एक समुदाय को आप टारगेट करके इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं? क्योंकि आज आंख से आंख में, अच्छा जिसका शासन उसका बिल क्यों लाए थे? किसान बिल भारतीय जनता पार्टी ने ही संसद भवन में कहा आंदोलन जीवी पर जीवी देशद्रोही पाकिस्तानी खालिस्तानी, उन्हीं पाकिस्तानी खालिस्तानियों से देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। अतीत को तो आप भूल जाते हैं, वर्तमान में देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। यही सरकार है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक गैर नैतिकता की तरफ जा रही है। अरे आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जनता जान चुकी है कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं श्रवण पांडे। इनसे जानेंगे कि जो सदन में महिला बिल को लेकर जो खींचातानी चल रही थी, आखिरकार पास हो गया, लेकिन अभी भी जो है कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का वो जो स्तंभ है, ठीक है, आपने सही बात कही, बिल पास हो गया, बहुत वाहवाही है, लड्डू मिठाई बट रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन क्या वाकई में उन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा जिन महिलाओं को इन्हीं के शासन काल में, आपने देखा होगा जंतर मंतर से शायद आपने सामने की दृश्य रही होगी, जिस तरीके से उन बहन बेटियों को दिन के आड़ दिन में, प्रशासन की आड़ में उनके आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया, क्या ये सरकार को दिखाई नहीं दिया? सरकार ने जिस तरीके से इंडिया और भारत के नाम पे पूरे मीडिया में महिमा मंडल किया गया, वाकई में नूह की घटना आपने देखी होगी, आपने मणिपुर की घटना देखी होगी, क्या अभी मणिपुर शांत है? क्या उन मणिपुर वासियों को, जो तमाम लोग पलायन कर चुके हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उनको विस्थापन किया गया? इस पर सवाल किया आपने? इस पर सवाल नहीं करेंगी आप, और कहेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। सुनिए, सवाल करने पे आप पत्रकार पे क्यों भड़क जाते? देखिए, पत्रकार पे भड़कना पड़ता है क्योंकि आज आंख से आंख में डाल के बात करने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुले संसद में गाली दे देते हैं, उग्रवादी कह देते हैं, आतंकवादी कह देते हैं। आप लोग से सवाल करने पर एंकर को बैन कर देते हैं? नहीं, देखिए अरे भैया, तो क्या बैन ना किया जाए, जब चरण वंदन करेंगे आप? इस देश में लोकतंत्र का काम क्या है? लोकतंत्र का काम यह है कि इस देश में जनता के उन जमीनी मुद्दों को उठाना, पत्रकारिता का ये काम है। पत्रकारिता के एक नहीं काम है सिर्फ एक मुद्दे के जरिए हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में मुद्दा बनाना, ऐसी चीजें नहीं है। आज आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, सभी विपक्ष ने और पक्ष ने, सभी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेपिस्ट था, आरोपी था, क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया? मेरे देश के प्रधानमंत्री से सवाल है। जिस तरीके से मणिपुर में दिनदहाड़े बहनों को करके सड़क दौड़ाया गया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान यहाँ नहीं गया? गया ध्यान, बताइए। ये पूरी तरीके से इस देश में एक ऐसी राजनीति का परिदृश्य दिखाया जा रहा है कि वाकई में आप जो हैं वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए हैं। आपको हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमने बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए महिला बिल कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मान्यता का सवाल है, इसलिए उन्होंने किया है। देखिए, महिला आरक्षण बिल की सबसे पहली आवाज कौन गूंज करने का काम किया था? पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने। ला तो नहीं पाए थे ना, सुनिए, कह रहे हैं नवनीत राणा, कह रही है उसका बिल, अच्छा जिसका शासन उसका बिल क्यों लाए थे? किसान बिल वापस कर गए ना, किसान बिल। भारतीय जनता पार्टी ने ही संसद भवन में कहा था आंदोलन जीवी पर जीवी देशद्रोही पाकिस्तानी खालिस्तानी, उन्हीं पाकिस्तानी खालिस्तानियों से देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। क्या वो याद नहीं है, या आपको याद दिलाना पड़ेगा? अतीत को तो आप भूल जाते हैं, वर्तमान में देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। यही सरकार है,
ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक गैर नैतिकता की तरफ जा रही है और 2024 में पूर्ण रूप से जनता ने कमर कस ली है। आप तमाम ऐसे बिल लाते रहिए लेकिन देश की जनता आपके झूठे वायदों पे अब की बार 2024 में आप लोग बिल का क्रेडिट उठाने पे क्यों? अरे भैया हम देश की जनता हैं, आप लोग क्या इस बताइए देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है नहीं है? ओबीसी का बिल क्यों लटका हुआ है? प्रधानमंत्री जी तो बड़ी हिमायतगिरी करते हैं ओबीसी के समाज से। मैं आता हूँ ओबीसी वालों को। अरे भैया आप बताइए जिसको अयोग्य सांसद घोषित करके 4 महीने संसद से बाहर रखा गया था, क्या उनके नेता सांसद विधायक जो आज तमाम ऐसे अभद्र टिप्पणियों का बीच संसद में ऐसे संसद की गरिमाई स्थिति में और वो पूरे ऐसे घटनाक्रम को वो करते हैं क्या? और उसके नेता थपथपाते हैं, आपने देखा होगा पीछे बैठ के मुस्कुराते हैं। वाकई में क्या एक समुदाय को आप टारगेट करके इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं? क्या इस देश में आज़ाद भगत सिंह नहीं है? इस देश में अशफाक उल्ला खान नहीं है? अरे आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं इस चरण में दौड़ी की बात कर रहे हैं। अरे कौन है वही कहते हैं गुंडा मवाली, जब लोग सांसद बनेंगे भारतीय जनता पार्टी में उठाइएगा एडीआर की रिपोर्ट तो सबसे ज्यादा गुंडा अपराधी सबसे ज्यादा दुष्कर्म करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में ही है। ये भाजपा वो भाजपा नहीं है, ये भाजपा पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की भाजपा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जनता पूर्ण रूप से नदारत करेगी। हाँ कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 के पार जाएंगे, अब की बार फिर अभी आएंगे। जनता कह रही है हर हर मोदी घर घर मोदी। कबीर दास का दोहा सुना है आपने? नहीं सुना है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, जनता न देगी पानी 24 में कमल हो जाएगा सुन। तो ये जान लीजिए 2024 में जो सुधांशु द्विवेदी जी दिखाते हैं ना 8 पंखुड़ियों वाला कमल है ये, और G20 में 6 पंखुड़ियों वाला लगा था। जनता जान चुकी है कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, कमल सरस्वती माँ विराजमान है लेकिन उस पे ये कमल लक्ष्मी भी जी हैं, सरस्वती भी, लेकिन कमले पुष्प विराजमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको भी शर्मसार करने का काम किया, जो राम के नाम पे धर्म के नाम पे देश को बेचने का काम किया। ऐसी सरकार इस देश के लोकतंत्र पे अब नहीं रह पाएगी, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम मुद्दों पर बात की, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन गौतम के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।